पोटेंशियल है, इंडस्ट्री की 21% है, एग्रीकल्चर। वफाकी हुकूमत की एक साल की मुआशी कारकर्दगी की रिपोर्ट आ गई, महसूलात का हदफ हासिल नहीं हुआ, बरामदात भी टारगेट से कम रही, मुल्की मुआशी तरक्की की शरह 10 साल में सबसे ज्यादा 5.3% हो गई, बैरून मुल्क से तरसीलात में कमी आई, वजीर खजाना इसहाक डार ने इक्तसादी सर्वे जारी कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सालाना 100 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं, वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं महंगाई की शरह 4.9% रही, हुकूमती अखराजात बढ़ गए, बैरूनी कर्जों का हजम कम होकर 58 अरब डॉलर रह गया, पाकिस्तान की मईशत 300 अरब डॉलर से मुतजावज, फीकस आमदन बढ़कर 1629 डॉलर हो गई। आइंदा माली साल का तकरीबन 5.4 खरब रुपए का वफाकी बजट कल आएगा, तकरीबन 1.5 खरब रुपए खसारे का इम्कान, नॉन पायलर्स को टैक्स नेट पे लाने के लिए मजीद इकदाम का ऐलान होगा, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़, कॉस्मेटिक्स पर ड्यूटी बढ़ाकर 20% करने का इम्कान। बजट से एक दिन पहले साहिवाल कोल पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया, सीपैक के तहत पहला मंसूबा 22 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ, नेशनल ग्रिड में 660 मेगावाट बिजली शामिल, जून में पैदावार दुगनी हो जाएगी, वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं मुखालिफिन हर रोज टीवी पर आकर बहतान लगाते हैं, उनकी बातों का जवाब देने का वक्त नहीं। इमरान खान ऑफशोर कंपनीज केस में सुप्रीम कोर्ट ने 10 सवालों के जवाब मांग लिए, इलेक्शन कमीशन और मातहत अदालतों से पीटीआई फंड्स केस का रिकॉर्ड भी तलब, चीफ जस्टिस कहते हैं सच्चाई की तलाश में जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे, वकील से कहा आपके मुताबिक बनीगाला जमीन खरीदने के लिए जमायमा से कर्ज लिया, पेश करदा मुआहिदे और अदाशुदा रकम में तजाद दिखाई देता है। नून लीग और तहरीक इंसाफ की एक दूसरे पर फिर इल्जामात की बौछार, दानियाल अजीज कहते हैं इमरान खान इश्तिहारी हैं, जाली मनी ट्रेल जमा कराई, जमामा के बयान के बाद नई कहानी गढ़ ली, नईमुल हक बोले नवाज शरीफ साजिशों के बादशाह हैं, हुकूमत जीआईटी पर दबाव डालकर पनामा केस का फैसला दबाना चाहती है। कोयटा से अगवा होने वाले चीनी जोड़े का दूसरे दिन भी कोई सुराग नहीं मिला, गफलत बरतने पर डीएसपी और 2 SHO मुअत्तल, गैर मुल्कियों को अपनी नकलो हरकत से आगाह करने की हिदायत, उधर लेवीज फोर्स ने तफ्ताह में 4 गैर मुल्की बाशिंदों को अगवाकारों के चुंगल से बाजियाब करा लिया, 2 अगवाकार गिरफ्तार, असलहा बरामद। मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। दिल्ली की उज़्मा ताहिर का दिल तोड़ने के बाद वाघा के रास्ते दिल्ली वापस लौट गई, भारतीय खातून यकुमाई को पाकिस्तान आई, उज़्मा ने बोनेर के ताहिर अली से शादी की जिसे बाद में जबरदस्ती करार दे दिया गया, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उज़्मा अहमद को वापस भारत जाने की इजाजत दे दी, उज़्मा की भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज से मुलाकात। पाकिस्तान की खैर सगाली का भारत की तरफ से फिर शरंगेजी से जवाब, उज़्मा तो बाहिफाजत भारत पहुंच गई लेकिन एहसान परामोश भारत ने 2 खवातीन समेत 3 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने बेंगलुरु में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों को नामुकम्मल सफरी दस्तावेजात का बहाना बनाकर पकड़ा। सिंध के नए वजीर दाखिला की आईजी एडी ख्वाजा पर चढ़ाई, सुहेल अनवर सियाल कहते हैं आईजी उनके मातहत के मातहत हैं, जब चाहूं उन्हें बुला लूं, एडी ख्वाजा के आने से पहले सिंध में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर थी, सिंध हुकूमत का इख्तियार है कि वो किसी अफसर के साथ चल सकती है या नहीं। वज़ीर आज़म वक्त की किल्लत के बाइस सऊदी अरब में खिताब नहीं कर सके, तर्जमाने दफ्तर खारजा कहते हैं अमरीका समेत आलमी बरादरी को कंट्रोल लाइन पर तनाव पर तश्वीश है, उधर पाकिस्तान की ईरान और सऊदी अरब में गलत फहमियाँ दूर करने की तैयारियाँ, आर्मी चीफ के ईरान को एतमाद में लेने के लिए जल्द तेहरान के दौरे का इम्कान।
कोर्ट ने कराची में हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी का हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में तीन रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। प्रिकैन को नोटिस जारी। फैसले के खिलाफ तमाम अपीलें समाअत के लिए मंजूर। समाअत गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गयी। PIA की कराची से इस्लामाबाद आई परवाज को डेढ़ घंटा पार्किंग की इजाजत ना मिली। तैयारा रनवे पर खड़ा रहा। AC बंद होने से मुसाफिरों की हालत गैर हो गई। उधर इस्लामाबाद से जद्दा जाने वाली परवाज पन्नी खराबी के बाइस कई घंटे ताखीर का शिकार। उमरा जायरीन का एहतजाज। कत्ल या खुदकुशी। मुल्तान में मां और दो बच्चे घर में पुरअसरार तौर पर मुर्दा पाए गए। 30 साला किश्वर बीबी, 5 साला शुमाला और 2 साल का हसनैन शामिल। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक लाशों पर तशद्दुद का कोई निशान मौजूद नहीं। जिस्मानी आज़ा के नमूने लाहौर की लेबॉरेटरी भिजवा दिए गए। मर्दान यूनिवर्सिटी मुकम्मल तौर पर खुल गई। तदरीसी सरगर्मियां बहाल। पहले रोज हाजिरी कम रही। मशाल खान के दोस्त भी नहीं आए। हॉस्टल से असलहा और मनशियात बरामद होने पर 2 तलबा गिरफ्तार। मशाल के कत्ल के बाद यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपस बंद कर दिए गए थे। मैनचेस्टर धमाके में मालूमात, दहशतगर्दों की मालूमात मीडिया को क्यों दी। बरतानिया अमरीकी हुकूमत पर बरहम। आइंदा खुफिया मालूमात अमरीकी इदारों से शेयर ना करने का फैसला कर लिया गया। ट्रंप ने हसास मालूमात मीडिया को देने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की म्यूजिक फैकल्टी ने अपना रिहर्सल रूम राहत फतेह अली खान से मंसूब कर दिया। पुरवकार तकरीब से कबल बरसगीर के लेजेंड गुलकार का जबरदस्त इस्तकबाल। राहत फतेह अली खान ने कहा कि अजीम आलमी दरगाह में पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर बहुत खुश हैं। ये ना सिर्फ उनके लिए बल्कि हर पाकिस्तानी के लिए फख्र का मकाम है।